नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये हेयर ड्रायर मशीन है। तो दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो है दोस्तों, यहाँ पर एलिमेंट हमारा वर्क कर रहा है। ये देखिए, एलिमेंट हमारा वर्क कर रहा है लेकिन जो हमारा फ़ैन है वो नहीं चल रहा है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारा फ़ैन है वो क्यों नहीं चल रहा है। तो पहले सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम आखिर है क्या और क्यों इसके अंदर जो है हमारा फ़ैन जो है वो चल नहीं रहा है। तो देखिए, इसको ओपन कर लेते हैं और सारे जो ट्यूब इसके जो बॉडी वगैरह के वो सारे पार्ट जो हैं हम एक जगह रख लेंगे यहाँ पर। और इसको जो है अब तो ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर टूल ले लेता हूँ। तो ये रहा देखिए, ये इस तरीके से हम इसे ओपन कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, हमने इसका जो कवर है पूरा बाहर निकाल दिया है। ये देखिए, तो ये हमारा एलिमेंट है। तो एलिमेंट तो हमारा वर्क कर रहा है लेकिन हमारी जो मोटर है वो वर्क नहीं कर रही है। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और एलिमेंट को भी हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि हमारी जो मोटर है उसमें दिक्कत है, तो हम उसी को ही बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, मोटर को हमने बाहर निकाल लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक 12 वोल्ट की बैटरी से चला के देखेंगे कि 12 वोल्ट की बैटरी से ये हमारी मोटर जो है वर्क हो रही है नहीं। तो यही मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी, और इसको अब मैं ज़रा चला के देखता हूँ। तो 12 वोल्ट की बैटरी से दोस्तों ये वर्क तो हो रही है लेकिन कभी कभी ये शॉर्टिंग मार रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये मोटर जो है हमारी ख़राब है, अंदर से शॉर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर दूसरी मोटर को लगाएंगे। तो दूसरी मोटर देखिए हमारे पे कुछ इस तरीके से है, तो हम इसको लगाएंगे इसके अंदर। और ये जो डाइवोड है, हम यही वाले यूज कर लेंगे। तो पहले मैं इन डाइवोडों को देखिए बाहर निकाल लेता हूँ, और बाहर निकाल के हम इन्हीं डाइवोडों को यूज करेंगे। तो मैं इनको थोड़ा जल्दी से बाहर निकाल के, और जिस तरीके से लगे हुए हैं हमारे डाइवोड, मैं उसी तरीके से ही इनको निकाल के लगा लेता हूँ। तो वीडियो जो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा मैं, लेकिन अब क्या करता हूँ, इसको डाइवोड को निकाल के लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर डाइवोड लगा के। तो ये देखिए, हमने इस मोटर में से डाइवोड को निकाल लिया है, इसको साइड कर देते हैं और नई मोटर जो हमने ली है उसके अंदर हम इनको लगाते हैं। तो ये हमने नई मोटर के अंदर यहाँ पर ये लगा दिए और इसको हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये हमने इसके अंदर यहाँ पर ये लगाया हमने डाइवोड, और ये हमने यहाँ पर डाइवोड को इसको यहाँ लगा दिया। तो अब मैं इसको ज़रा सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ सोल्डिंग, क्योंकि दोस्तों मोटर ये ज़्यादातर इसके अंदर क्यों ख़राब हुई है, उसका कारण दोस्तों इसके अंदर ये है कि ये मोटर जो है हमारी डायरेक्ट जो है डायोड से और एसी से जो है हमारी डीसी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो इसलिए जल्दी ख़राब हो गई मोटर, और इसके अंदर जो ख़राब होने का इसका कारण है वो यही है कि मोटर जो है हमारी एसी पे वर्क हो रही है डीसी कन्वर्ट होके, और इसके अंदर और कोई सर्किट नहीं लगाया गया, सिर्फ इसके अंदर जो है डाइवोड का ही यूज करा गया है, इसलिए हमारी मोटर जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हुई है। इसका ख़राब होने का कारण दोस्तों यही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जैसे कनेक्शन थे इसके वापसी वही कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों कनेक्शन इसके ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे कनेक्शन सिंपल ही हैं एकदम, सिर्फ मोटर को हमने चेंज कराया यहाँ पर, और जैसे कनेक्शन थे वैसे ही हम वापसी कर देंगे इसके। और जिस तरीके से ये हमारी देखिए मोटर यहाँ लगी हुई थी, इसको यहाँ लगा देंगे, और जो इसकी हमारी फ़ैन की पंखड़ी थी वो भी हम उसी तरीके से लगा देंगे। तो ये देखिए, ये पंखड़ी भी हमारी लग चुकी है। अब इसको हम जो दोस्तों एक बार जो है टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिंग हम इसको सीरीज के अंदर करेंगे। तो ये देखिए, सीरीज के अंदर जो हमारा सीरीज बल्ब है, तो दोस्तों इसके अंदर हमने मोटर को चेंज करा और फिर भी जो है ये हमारा जो एलिमेंट है वो काम नहीं करा और हमारी जो यहाँ पर मोटर है वो नहीं चली। तो इसके अंदर देखिए, जब हम सारे डाइवोडों को जब चेक कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए हमारा ये वाला डाइवोड देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये वाला।
और इसके अंदर जो हमारे 3 डायोड है वो बिल्कुल सही है। ये भी इसके अंदर थोड़ा शॉर्टिंग दिखा रहा है और ये वाला इसमें डायोड सही है और ये भी सही है। तो दोस्तों इसके अंदर 2 डायोड जो हैं देखिए हमारे शॉर्टिंग दिखा रहे हैं बिल्कुल। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें ये चारों डायोडों को ही चेंज कर देंगे और चारों डायोडों को चेंज करने के बाद तब हम इसको वर्क करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर ये मोटर और डायोड हमारे इसलिए ख़राब हो गए दोस्तों क्योंकि मोटर हमारी डायोड से डीसी के अंदर कन्वर्ट होकर चल रही है और डायरेक्ट जो है 220 वोल्टेज से इसके अंदर यूज करा गया है क्योंकि ये जो है हमारी थोड़ी लो क्वालिटी में है हमारी जो हेयर ड्राई मशीन है ये, तो इसलिए इतनी जल्दी ख़राब हो गई। और इसको हम दोस्तों अब डायोडों को चारों को चेंज करते हैं, नए लगाते हैं और फिर उसके बाद हम इसको यूज करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारी मशीन जो है वर्क कर रही है। तो दोस्तों देखिए हेयर ड्रायर के अंदर जो है हमारा ये डायोड भी ख़राब निकले थे और डायोड जो है देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है। मैं डायोड को आपको जो है चेक करके दिखाता हूँ। डायोड जो है हमारे फुल शॉर्ट दिखा रहे थे, देखिए मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पर रख दिया और ये देखिए डायोड जो है हमारे फुल शॉर्ट हो गए थे और हमारी जो है देखिए हमारी जो है दोस्तों इसके अंदर जो है हमारी मोटर भी ख़राब हो गई डायोड की वजह से क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एसी चली गई और डायोड ख़राब होने की वजह से हमारी मोटर भी ख़राब हो गई और हमारे डायोड भी ख़राब हो गए। तो देखिए हमने यहाँ पर मोटर को भी चेंज कर दिया और डायोड नए लगा दिए। और दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो हमारा एलिमेंट लगा हुआ है ये इसकी सीरीज के अंदर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एसी गई, पहले एसी एलिमेंट में जाती है, एलिमेंट से फिर सीरीज होकर फिर हमारी मोटर के अंदर आती है। और मोटर के कनेक्शन जो आपको इस तरीके से करने हैं कि जो उसकी हवा है वो एलिमेंट के तरफ की आए, उसकी हवा सामने की तरफ ना आए, नहीं तो आपका जो हेयर ड्राई की बॉडी है वो ख़राब हो जाएगी क्योंकि ये बॉडी देखिए पूरी तरह प्लास्टिक की बॉडी और ये ख़राब हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है क्योंकि पहले इसके अंदर ये हमारा जो फ़ैन था वो काम नहीं कर रहा था, ये देखिए। तो दोस्तों अब हम इसको पूरा पैक कर लेते हैं और पैक करके जो है फिर आपको दिखाते हैं इसको पूरा चला के। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों ये हेयर ड्राई जो है हमारी दोस्तों देखो बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है, ये देखिए। तो देखिए और अब इसके अंदर दोस्तों अगर हवा आ रही है तो इसी तरीके से देखिए एलिमेंट भी हमारा ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना।